रावत भी मौजूद थे और जैसा बताया जा रहा है गवर्नमेंट के सामने आ रही थी तकरीबन जो है 15 में से 11 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था आपका वो क्या था और आपका सरकार से क्या कहना है आज के? एक तो ये है जी कि माननीय एडवोकेट एपी सिंह जी का धन्यवाद करना था जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया, इन्होंने हमारी वकालत माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन कृषि बिल में की और वो कृषि बिल वापस हो गए। आगे अब ये है कि देश के किसान को, देश के अन्नदाता को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके लिए सरकार गारंटी कानून बना दे। संयुक्त मोर्चा से भी आपके माध्यम से मेरी अपील है कि जब तक ये MSP गारंटी कानून नहीं बनता है और सारी बात बात की है जब तक मोर्चा नहीं छोड़ना चाहिए अपनी बात, क्योंकि आज अगर हो गया तो हो गया, फिर शायद उम्मीद नहीं है। कितने आयोग बने, कितनी कमेटी बनी, वो सिफारिश रहती है, शर्त रहती है। MSP गारंटी कानून ये चार बिंदुओं को लेकर के आए थे, MSP गारंटी कानून, पराली, बिजली अमेंडमेंट बिल और कृषि बिल, तीनों की बात हो गई। पराली अमेंडमेंट की हो गई, बिजली अमेंडमेंट की हो गई और कृषि कानून की हो गई। MSP एक मेन मुद्दा रह गया है, MSP गारंटी कानून देश के अन्नदाता के लिए जरूरी है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान को MSP मिलती है और पूरे देश में ऐसा सिस्टम नहीं है। उसकी फसल आधे से कम मूल्य में खरीदी जाती है तो उस अन्नदाता को भी MSP का लाभ मिले, क्योंकि सबसे नीचे का मूल्य होता है, न्यूनतम स्तर का मूल्य होता है, इसको प्राइवेट सेक्टर में इससे नीचे खरीदना होते। ठीक, आज के एजेंडे को देखते हुए अभी किसान आपकी आज एक मीटिंग थी 2 बजे, उसके बारे में आपका कहना है कि अगर कौन सा एजेंडा लेकर वो मीटिंग कर रहे हैं जबकि सरकार उसके खत्म करने की जो है प्रॉमिस कर रही है? MSP सबसे बड़ा मुद्दा है, MSP गारंटी कानून, और इस समय कोई बड़ा मुद्दा नहीं, MSP देश के अन्नदाता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका क्या कहना है उस मीटिंग के बारे में? जब तक MSP गारंटी कानून ना कहे जब तक आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। राकेश टिकैत जी अभी एक और एजेंडा उठा के जो है अभी सरकार को परेशान करने में लगे हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो बता दीजिए कौन सा कानून है? बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात है, वो बाद की बात है। बैंक प्राइवेट होते हैं, सरकारी होते हैं, क्या होते हैं, इस समय किसान के अन्नदाता की फसलों का उचित मूल्य मिले ऐसी व्यवस्था देश की सरकार करे, 100% पूरे देश के किसानों को उसकी फसल का मूल्य मिले ताकि आत्महत्या बंद हो देश के अन्नदाता। थैंक यू सर।